दर्श को धर्म दर्शन की इस पुनीत यात्रा में मैं इंदु आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्श को धर्म दर्शन के माध्यम से हम विभिन्न देव स्थानों का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें सभी संतों का पावन मंगलमय आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। आइए आज हम सब मिलकर पूरी श्रद्धा भावना के साथ दर्शन करते हैं जयपुर गोठरा ग्राम में स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के। दर्शकों, आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि अगर सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जी का सुमिरन किया जाए तो हनुमान जी हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर कर देते हैं। श्री हनुमान चालीसा जी का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें कहा भी गया है, नाशय रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी महाराज सच्चे भाव के भूखे हैं, अगर उन्हें सच्ची श्रद्धा आस्था और विश्वास के साथ ध्याया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हमारे जीवन से हर प्रकार की बाधा पल भर में ही दूर हो जाती है और हमें अपने आराध्यों का मंगलमय आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मैं आप सबकी तरफ से भी हनुमान जी के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना मंगलमय पावन आशीर्वाद सब भक्तों पर युगों युगों तक यूं ही बनाए रखे। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर की स्थापना सन 1996 में गुरु पूर्णिमा के दिन श्री श्री 108 श्री लक्ष्मी नारायण जी परपन्नाचार्य महाराज, जिन्हें स्थानीय लोग बिजड़ा जी महाराज के नाम से जानते हैं, के द्वारा करवाई गई। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में देवी माता संत श्री लक्ष्मी नारायण परपन्नाचार्य जी महाराज की समाधि स्थापित है। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भक्तों के लिए निशुल्क पानी की पियाऊ, संत सेवा, अतिथि सेवा व धार्मिक पदयात्रियों के अन्य क्षेत्र की व्यवस्था श्रद्धा भाव के साथ करवाई गई है। मंदिर प्रांगण में प्रति वर्ष गुरु पूर्णिमा, हनुमान जयंती, अन्नकूट व पोष पर्व मनाए जाते हैं। मंदिर समिति श्री महादेव प्रसाद जाट के सानिध्य में व सीताराम जाट, शोजी राम नाड़ी, रामफूल जाट मंदिर विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ सभी भक्तजन कामना करते हैं कि प्रभु कृपा सब भक्तों पर यूं ही बरसती रहे। मैं सीताराम, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर से 21 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और यहां पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और यहां पर किसी प्रकार के झाड़ फूंक नहीं होते हैं, केवल ढोक देने के मात्र से ही सबके कष्ट कटते हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यहां पर एक बार पधार कर और पंचमुखी हनुमान मंदिर में प्रणाम ढोक देने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए अवश्य पधारें। यहां पर निःशुल्क भोजन और रहने की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जाओ।
अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं।